आप सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस समय की बड़ी खबर जो है वो ईद की छुट्टी को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि हर किसी में एक असमंजस सी बनी हुई है कि क्या आज ईद की छुट्टी है या फिर नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर चाहे जो ईद को सेलिब्रेट करने वाले लोग हों, लगा उनकी तरफ से कॉल्स आ रही हैं कि जनाब आज जो है वो ईद की छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है या फिर नहीं की गई है। तो आपको बता दे चलें कि इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो ईद की छुट्टी को लेकर सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दे चलें कि जो ले और लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा एक फरमान जारी करके आज के दिन की जो है वो यानी कि 10 अप्रैल के दिन की छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। इसी बीच बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक फरमान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आज के दिन जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम थे वो जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, और ये एग्ज़ाम जो है वो इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो जल्द ही इशू की जाएगी इस हवाले से। लेकिन आज जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो चाहे वो कॉलेजेस में थे या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर थे, तो वो एग्ज़ाम जो है वो आज कैंसिल कर दिए गए हैं। और जिस तरह से कल जो है वो अचानक जम्मू कश्मीर में ईद का चांद जो है वो नज़र आया, और उसके बाद ये जो है वो जम्मू कश्मीर में ईद जो है वो आज मनाई जानी है। लेकिन ऐसे में छुट्टी के हवाले से बात करें तो ईद की छुट्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में असमंजस सी बनी हुई है कि आखिरकार क्या आज छुट्टी है या फिर नहीं है। लेकिन जहाँ तक अभी हमारे पास जानकारी पहुँची है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आज जो है वो छुट्टी होगी, और ऐसे में बात करें ले और लद्दाख की, तो उसका आर्डर जो है वो हमारे हाथ में यहाँ पर आ गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आज यानी कि 10 अप्रैल वेडनेसडे को जो है वो ये ईद की जो है वो छुट्टी यहाँ पर जो है वो यानी कि जो 11 तारीख को छुट्टी थी वो 10 तारीख को जो है वो कर दी गई है, और आज के दिन लद्दाख और लेह में जो है वो छुट्टी की अनाउंसमेंट कर दी गई है ईद की हॉलीडे की। लेकिन वहीं अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम आज के दिन बच्चों के थे, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर स्कूल ये कहें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हो पढ़ रहे हो, तो उनको लेकर यहाँ पर साफ तौर पर ही कहा गया कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम आज 10 तारीख को थे वो जो है वो अब कैंसिल कर दिए गए हैं, और वो जल्द ही उस हवाले से फ्रेश डेट जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन इसी बीच बात करें स्कूल्स की, तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम स्कूल्स में चल रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या निजी स्कूल हो, तो वहाँ पर भी आज के दिन बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जम्मू के हवाले से बात करें तो अभी भी कई सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या जनाब जम्मू कश्मीर में भी आज जो है वो छुट्टी ईद की है या फिर नहीं है। तो आपको बताते चलें जो अभी तक हमारी कुछ गवर्नमेंट में बैठे सीनियर अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आज के दिन जो है वो छुट्टी है, लेकिन जल्द ही इस बात का फरमान जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर ये फरमान आपके हाथ में होगा, और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और जम्मू कश्मीर में भी आज के दिन जो है वो छुट्टी होगी, सोर्सेस ये बता रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेस से जो खबरें पहुंची हैं उसके मुताबिक ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर में भी आज ईद की छुट्टी है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर जो भी प्राइवेट दफ्तर हैं वो जो है वो आज बंद रहेंगे, और आज ईद की छुट्टी जो है वो सेलिब्रेट यानी कि ईद जो है वो सेलिब्रेट की जाएगी। और ऐसे में तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों की बात करें, बहनों की बात करें, तो तमाम लोग आज जो है वो ईद के दिन जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से गले लग रहे हैं, और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी जो है वो बांट रहे हैं। लेकिन ऐसे में हर कोई जो है वो इस ईद के दिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ मना रहा है, क्योंकि इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार जो है वो इसे माना जाता है, और ऐसे में इस्लाम धर्म जो है वो इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अब इस इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म हुआ है, और अब ईद जो है वो आज मनाई जाएगी। और ऐसे में बात करें अगर छुट्टी की, तो छुट्टी को लेकर आपको एक बार फिर से बता दे चलूं कि लेह और लद्दाख में ईद की छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। लेकिन बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अभी इसका आर्डर जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आज के दिन जो है वो ये ईद की छुट्टी जो है वो रहेगी, और ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में तमाम जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी जो है वो आज जो है वो बंद रहेंगे, वहाँ पर भी जो है वो छुट्टी की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। यूनिवर्सिटी साहब जम्मू की तरफ से भी ये आज जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज यानी कि 10 तारीख को था वो अब उसके लिए नया शेड्यूल जो है वो तैयार किया जाएगा, और जल्द ही इस हवाले से
फ्रेश डेट्स जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों को बताइएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो उसमें हमारे सरकारी मुलाजम हो, तो उनमें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आज छुट्टी है या फिर नहीं, आज उन्हें ऑफिस जाना है या फिर नहीं जाना। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून के सोर्सेस ये बता रहे हैं, ऑफिशियल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में ईद की छुट्टी जो है वो रहेगी। और ऐसे में तमाम जो लोग पहले की तरह ईद को जो हम मनाते थे वो इस तरह से ईद को बनाएंगे। और ऐसे में तमाम हमारे मुस्लिम भाई जो है वो आज मस्जिदों में वहाँ पर नमाज़ अदा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि ये ईद जो है वो तमाम हमारे देश भर के लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ जो है वो लेकर आए और उनके हर एक मनोकामना पूरी करे, उन्हें सही रास्ते पर चलाए, उनसे अच्छे काम कराए। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जम्मू कश्मीर में ईद की छुट्टी जो है वो भी आज होगी। और ऐसे में फ़िलहाल अभी उसका आर्डर जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बताते चलें जो अभी तक हमारी कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उनका ये कहना है कि आज जम्मू कश्मीर में भी जो है वो ईद की छुट्टी जो है वो होगी। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। धन्यवाद।